जवान और किसानों की ये धरती है। यहाँ से आज हमने राजस्थान के 88 लाख से ऊपर उन सभी बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को, दिव्यांगों को, सभी को हमने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया है। और वो इसलिए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे। और हमने पहली बार में जो 1,000 रुपये थे उससे 1,150 रुपये बढ़ा करके 88 लाख ऐसे सभी लोगों को हमने 1,037 करोड़ रुपये से ऊपर आज हमने दिया है। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर बजट आने वाला है। हमने आज अभी हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, प्रमुख लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं। उनके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुझाव ऐसे हैं जो राजस्थान के लिए भी लाभान्वित हैं। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो हमें अच्छे सुझाव देगा हम उनको भी उसमें शामिल करेंगे। आप सभी से भी हम कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है। हमारे हमने नंबर भी दिया है, हमने कहा है सबसे कि ऑनलाइन भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। राजस्थान के हित में जो होगा निश्चित रूप से हमारी सरकार हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, सभी के लिए कृत संकल्प है कि राजस्थान के आओ काम अच्छा रहे, हमारे राजस्थान की उन्नति हो। ऐसा हमारा विश्वास है कि हम जो सुझाव आए हैं उनको मानते हुए राजस्थान की जनता ने जो हमसे अपेक्षा की है उसको पूरा करेंगे। यमुना का हमारा समझौता हुआ है, आने वाले दिनों में यमुना की हम जमीन को एक्वायर करने का काम हमारा यहाँ चलने वाला है। हमारी सर्वे का काम चल रहा है और उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और हमने जो वायदा किया है हमारे शेखावाटी के 3 जिलों को हम यमुना का पानी लाकर। सर, झुंझुनू समेत 5 जगह पे उपचुनाव है, क्या तैयारियां सर?